नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी कर फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ धोखाधड़ी की गई, जिसके बाद फरियादी द्वारा थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभिषेक आनंद के अनुसार फरियादी अंकित निवासी वेंकटेश विहार द्वारा आरोपी नरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजयनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में उसके पास एक प्लॉट था। यहां पर आरोप में नितिन द्वारा फर्जी जमीन की पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसे बेच दिया गया, जो फरियादी द्वारा प्लॉट पर कब्जा लेने के लिए वो पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि ये प्लॉट नितिन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है, जहां पर आरोपी नितिन अग्रवाल के खिलाफ 50 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके बेसिस पे जांच उपरांत जो अपराध कायम किया गया। शिकायतकर्ता का नाम अंकित सवनेर है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था थाने पर कि एक जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी है राजकीर्ति जो है वो एक उन्होंने जमीन जो बेची तो उसकी एक पावर ऑफ अटॉर्नी नितिन अग्रवाल, जिसको कि इस केस में आरोपी बनाया गया है, तो उनके द्वारा ये फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया और उसके बेसिस पे रजिस्ट्री की गई। तो इसमें इस पे अभी जो है प्रथम दृष्टिया जो है 420 कायम किया गया है। इसमें साथ ही जो क्योंकि एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसके डेथ के उपरांत जो एग्जीक्यूट हुआ, मतलब डेथ जो राजकीर्ति उनकी मृत्यु के उपरांत वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे एक प्लॉट की बिक्री की गई थी, तो जिसके बेसिस पे 420 का अपराध कायम हुआ है। बाकी पूरे मामला की जाँच की जाएगी, एक बार पावर ऑफ अटॉर्नी की पूरी तरह से जाँच करवाई जाएगी, उसके बाद हस्ताक्षर मिलान और अन्य जो है वो जाँचें करवाई जाएंगी और इसके बेसिस पे अगर जो भी अग्रिम विवेचना है वो उसको किया जाएगा। अभी ये जो है विजयनगर थाना क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी थी, एक प्लॉट के संबंध में अपराध कायम किया गया है, लेकिन इसमें विवेचना है जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पूरा जो आवेदक का बोलना है कि पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि नकली हस्ताक्षर के साथ है, तो हस्ताक्षर मिलाने के लिए जो है इसको QD शाखा में भेजा जाएगा। उसके बाद अगर जो फरियादी है उनकी बात अगर QD से जो इसकी पुष्टि हो जाएगी, तो उसके बाद फिर जो पूरे जो उस पूरा भूखंड है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।